नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बड़वानी गुरुवार SBN कॉलेज में NSUI छात्र संगठन द्वारा बड़वानी के SBN कॉलेज में पेयजल और सफाई व्यवस्था सहित अन्य अव्यवस्थाओं से रोषित होकर हंगामा किया। वही कॉलेज प्राचार्य और प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए किसी समय में चील कॉलेज के नाम से आदर्श कॉलेज रही इस कॉलेज की अव्यवस्थाओं और मिसमैनेजमेंट होने की बात कही। इस दौरान NSUI विधानसभा अध्यक्ष अशरफ मंसूरी, कॉलेज अध्यक्ष बादल गिरासी सहित संगठन के छात्र उपस्थित रहे। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम बादल गिरासी है, PG कॉलेज अध्यक्ष NSUI। आज यहाँ हंगामा किया आपने? आज हंगामा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था ढंग से थी। इतने महाविद्यालय, इतना बड़ा महाविद्यालय, यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर यहाँ पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है और बोलते हैं कि हमारे 32 कर्मी काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ओनली दिखावा करते हैं कि हम काम करने पर करवा रहे हैं, बस इतना करते हैं। और आज हमने यहाँ पर बोला है कि आइडेंटिटी लागू होना चाहिए, कभी बिना आइडेंटिटी का प्रवेश करता है तो जिम्मेदारी, कहीं कॉलेज में कोई हरकत होती, कई लड़के शेरशाह होती है, तो जिम्मेदारी आपकी है कॉलेज प्रशासन की, कभी नहीं। और ये कॉलेज प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता है तो NSUI धरना प्रदर्शन करेगा भारी मतों से और रोड जाम चक्का जाम करेगा। अभी निरीक्षण भी किया आपने PG कॉलेज का? हाँ, अभी निरीक्षण किया है। अच्छा, जो 32 कर्मी है जो, तो ये सब चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कौन कौन से क्या है? चतुर्थ है, 32 के जो कर, हाँ, उसमें सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं हो रही है? ना ढंग से हो रही है, बस दिखावा करते हैं कि हम करवा रहे हैं और बोलते हैं कि हमने 32 लगा दिए, पर 32 कहाँ है तुम्हारे, दिख नहीं रहे 32 तुम्हारे, बस दिखावा के 4 दिन से कचरा वही के वही है। आप बोलते हैं कि हमने करवा रहा है, पर अभी देख के निरीक्षण करके आए तो कचरा के वही तो वही कचरा है। अच्छा, 32 जो कर्मी है, सफाई कर्मी जो भी चतुर्थ, उनकी सूची है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं। अच्छा, ये सबका नियमित है ठेके वाले हैं क्या? ये इतना जानकारी हमें नहीं देते, कॉलेज वाले जानकारी नहीं देते। आपका परिचय पूरा? अशरफ मंसूरी, NSUI विधानसभा अध्यक्ष बड़वानी। अच्छा, आज कॉलेज में क्या मामला हुआ? आज कॉलेज में NSUI द्वारा वाटर कूलर में पानी नहीं होने के कारण हम लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही साफ सफाई की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी उचित नहीं चल रही थी, उसके लिए आज प्रचार मोदी के साथ पूरे कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही ID कार्ड लागू कर अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई। अच्छा, इसके अतिरिक्त समस्या तो कितने दिनों से चल रही थी? ये समस्याएं तो शुरू से है, जब से कॉलेज का स्थापना हुई है तभी से समस्याएं, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, पर कॉलेज प्रशासन द्वारा उस पर अभी तक के कुछ भी निराकरण नहीं निकाला गया। यहाँ पर लाखों रुपया, हजारों रुपया कर्मचारी 32 पियोनों पर खर्चा होता, बाकी कोई धरातल पे ऐसी साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखने तक आज तक नहीं मिली। अच्छा, पूर्व में जो ये कंप्यूटर का मामला हुआ था जिसमें जी हमारे भ्रष्टाचार, उस संबंध में NSUI ने कोई आंदोलन वगैरह करने की तैयारी? उसके संबंध में NSUI ने आंदोलन ज्ञापन दिया था कि उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, उसमें नोडल अधिकारी और कॉलेज प्राचार्य को निलंबन कर दिया गया था, लेकिन उसमें और भी बड़े बड़े भाजपा नेताओं के नाम सम्मिलित है, कहीं ना कहीं वो मामले को दबाया जा रहा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई समस्या है, मतलब परिचय पत्र वगैरह क्या आपको? हाँ, हम ये चाहते हैं कि कॉलेज में अनिवार्य रूप से ID कार्ड और परिचय पत्र लागू हो, ताकि बाहर के असामाजिक तत्व जो लोग कॉलेज में इंटर करते हैं उन लोगों में कॉलेज अंदर आने जाने में रोकथाम लगे और कॉलेज की सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ पर ID कार्ड अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इस संबंध में प्राचार्य महोदय का क्या कहना है? प्राचार्य महोदय का कहना है कि हम जल्दी सोमवार से हो सका तो आदेश निकाल कर सख्ती से जारी करने है ID कार्ड। तो हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही रही हो, लेकिन ऐसा कोई प्रकरण नहीं। सीढ़ियों पे काफी गंदगी पस रही है, बदबू आ रही है, सभी दूर, मतलब क्या बहुत ही ज्यादा व्यवस्था खराब है पाएगी? हाँ, ये तो जरूर है, आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे तंबाकू का उपयोग करते हैं, वो दीवारों पर थूक देते हैं। नामचीन कॉलेज बड़वानी का और इस प्रकार की अव्यवस्था से सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं नहीं, ये सवाल खड़े करने का वो नहीं है। आप अभी जब, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे आप देखो, आपको बिल्कुल भी इस तरीके से कोई गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। आप, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ऐसी कोई गंदगी देखने को। सर, ये शास्त्र में विद्यालय, शास्त्र महाविद्यालय से बड़े बड़े लोग जो पढ़ के यहाँ बड़ी बड़ी योग्यता हासिल की, हाँ, और बड़े बड़े पद पे पहुंचे, तो क्या कारण रहा है सर इसकी लापरवाही हो रही है? और लापरवाही के बाद जो जो जिम्मेदार प्रोफेसर जो बरसों से यहाँ सब जमे हुए हैं उनके द्वारा भी इस टाइप की अगर लापरवाही किया तो सर उनको? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं कि वो वर्षों से जमे हुए हैं, ज़्यादातर तो रिटायर हो गए हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर, और जो हमारे महाविद्यालय के 2 प्राध्यापक तो BC भी रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और जहाँ तक कि उनके
यहाँ से चले जाने से और कुछ रेगुलर स्टाफ की कमी की वजह से भी ऐसा आपको लग सकता है कि यहाँ पर वो सफाई नहीं हो रही है, लेकिन या वो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई होती है। वैसे में स्टूडेंट अच्छे निकलेंगे सर यहाँ पर? बिल्कुल निकलेंगे साहब। आपको आपको ये बताते हुए मुझे गर्व होगा कि अभी हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं उसी महाविद्यालय के छात्र हैं। सर आईडी कार्ड का मामला है बच्चों के? आईडी कार्ड जारी हो रहे हैं? नहीं, आईडी कार्ड तो जारी हो गए हैं, आईडी कार्ड उनको सबके पास। और आपको आश्चर्य होगा कि आज जब आप भी थे मेरे साथ घूम रहे थे तो आईडी कार्ड थे, लेकिन उन्होंने अपने गले में ना पहन करके उनको किस में रख रखा है? अपनी जेबों में रख रखा है, क्योंकि अभी ठंड का सीजन है, हो सकता है कि वो उसको स्वेटर पहनने में उस पर पहनने में तो नहीं, सर जैसा उनका कहना है जैसे एंट्री वहाँ से होती गेट पे, आईडी कार्ड चेक करके एंट्री देता ताकि असामाजिक तत्व अंदर नहीं आता। देखिए, हम यदि गेट पर हर किसी को, तो हम लोग बच्चों को तो टोकते ही हैं, लेकिन हर किसी को जब टोकते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं मेरी बहन की मार्कशीट लेने के लिए आया हूँ, या इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि वो लोग जो चालाक लोग होते हैं, जो कि इस तरीके, तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे महाविद्यालय के होते हैं वो बड़े अनुशासन के साथ रहते हैं, उनमें कोई समस्या नहीं आती।